जैसे आपने नई नई थीम्स को ट्राई किया, वैसे वैसे मैं चाहता हूं कि आप नए नए प्लगइन्स को भी ट्राई करें। प्लगइन्स क्या हैं? प्लगइन्स आर द गिफ्ट ऑफ वर्डप्रेस। क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाई इज वर्डप्रेस सो पॉपुलर और वर्डप्रेस की एक्सेप्टेंस ग्लोबल इकोनॉमी में और ग्लोबल डिजिटल मार्केट में इतनी ज़्यादा क्यों है? भाई आखिर क्यों है कि एवरीवन जस्ट लव्स वर्डप्रेस? वो इसलिए बिकॉज वर्डप्रेस गिव्स एनीवन द एबिलिटी टू चेंज फंक्शनैलिटी और ऐड न्यू फीचर्स विदाउट राइटिंग एनी लाइन ऑफ कोड एंड विद जस्ट अ सिंगल क्लिक। वर्डप्रेस आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि आप एक क्लिक करके एक नई फीचर या फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हैं। और ये आप कैसे ऐड कर सकते हैं? यूजिंग दिस अमेजिंग फीचर, दिस अमेजिंग बिल्ट इन फीचर ऑफ वर्डप्रेस दैट वी नो एज प्लगइन्स। प्लगइन्स का वर्ड कहाँ से आया? तो जिस तरह आप सबके घर में एक कोई ना कोई प्लग होता होगा, आपके लैपटॉप के साथ एक प्लग होता है, आपके टीवी के साथ एक प्लग होता है। सो जब आप उस टीवी के प्लग को प्लग इन कर देते हैं सॉकेट में, इलेक्ट्रिकल सॉकेट में, सो इट गोज ऑनलाइन। उसी तरह वर्डप्रेस में देयर आर स्मॉल सॉफ्टवेयर, स्मॉल फाइल्स दैट यू जस्ट प्लग इन टू वर्डप्रेस एंड दे गिव यू अ न्यू फंक्शनैलिटी। सो दिस इज व्हाट प्लगइन्स आर। अब आप हो सकता है आगे पूछें कि किस तरह के प्लगइन्स एग्जिस्ट करते हैं। पूछना तो नहीं चाहिए वैसे आपको, क्योंकि आपको प्लगइन्स के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता है और आपने अभी तक बेतहाशा न्यू प्लगइन्स ट्राई कर लिए होंगे। बल्कि आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कौन से नए प्लगइन्स आपने ट्राई किए? हैव यू ट्राइड द गूगल साइट मैप प्लगइन? हैव यू ट्राइड द SEO प्लगइन? Have you tried the spam control plugin? इतने ज़्यादा प्लगइन हैं, हज़ारों में, लाखों में। आपके पास शायद इतना टाइम भी ना हो जितने प्लगइन्स अवेलेबल हैं। इसीलिए you have to be very cautious and you have to be very specific कि कौन से प्लगइन्स हैं जिनको आप ट्राई करेंगे और जिनको आप यूज़ करेंगे और जिनको आप अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थीम्स एंड प्लगइन्स। थीम्स और प्लगइन्स में आखिर फ़र्क क्या है? थीम्स चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ वर्डप्रेस वेबसाइट व्हाइल प्लगइन्स चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ वर्डप्रेस वेबसाइट। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आपका एक मिनी क्विज हो जाए एंड लेट्स सी व्हाट यू आंसर। अगर आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स ऐड करनी है तो डू यू नीड अ थीम और डू यू नीड अ प्लगइन? वेल, यू नीड अ प्लगइन अनलेस यू हैव अ थीम विच अलाउज टू डू दैट। इसी तरह अगर आपने अपनी वेबसाइट में एक ऐड कोड ऐड करना है, एक एडवर्टाइजिंग कोड जो कि एडसेंस का हो सकता है, इन्फोलिंक्स का हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? यू विल अगेन यूज़ अ प्लगइन। भाई अगर आपने अपनी साइट की SEO बेहतर करनी है तो आप क्या करेंगे? विल यू यूज़ अ थीम और विल यू यूज़ अ प्लगइन? यू विल ऑब्वियसली यूज़ अ प्लगइन। सो प्लगइन्स हैव दिस इनेट पावर ऑफ गिविंग यू न्यू फंक्शनैलिटी एट योर फिंगर टिप्स एंड इट्स वेरी ईजी टू गेट कैरीड अवे एंड इंस्टॉल अ लॉट ऑफ प्लगइन्स। बट मेरी आपको ये सजेशन है कि आप अपनी वेबसाइट पे 15 या 20 से ज़्यादा एक्टिव प्लगइन्स एक वक्त में ना रखें। दे कैन डिस्टर्ब द परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट। एवरी न्यू प्लगइन दैट यू ऐड डिमांड्स सम काइंड ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम योर वेब सर्वर, फ्रॉम योर होस्टिंग सर्वर। इसीलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ 15 या 20 से ज़्यादा प्लगइन्स ना ऐड करें। इनफैक्ट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 10 से ज़्यादा प्लगइन्स ना यूज़ करें एंड ट्राई टू फाइंड अदर वेज ऑफ एडिंग फंक्शनैलिटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लगइन्स। और जैसा कि थीम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि थीम्स को आप बेच सकते हैं, इसी तरह प्लगइन्स को भी आप बेच सकते हैं। मैंने आपको इस कोर्स में वर्डप्रेस के एक सुपर हीरो जिनका नाम है अदनान, उनसे मिलवाया। अदनान ओन्स दिस कंपनी कॉल्ड WP ब्रिगेड, और ये लोग एनालिटिफाई के नाम से एक प्लगइन सेल करते हैं विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज प्रीमियम प्लगइन्स वर्ल्ड वाइड फॉर गूगल एनालिटिक्स। तो अगर अदनान सियालकोट में बैठ के ये कर सकते हैं, तो आप दुनिया के किसी हिस्से में भी बैठ के यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ विद वर्डप्रेस प्लगइन्स। तो प्लीज़ नए से नए वर्डप्रेस प्लगइन्स ट्राई करें, बल्कि आए चलें हम एक जर्नी पे जाते हैं और इन वर्डप्रेस प्लगइन्स को एक दूसरे के साथ लाइव ट्राई करते हैं। सो लेट्स ट्राई दीज बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स लाइव। तो चलते हैं google.com पे, और google.com पे जाके वी विल सर्च फॉर द बेस्ट प्लगइन्स। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जिस तरह हमने थीम्स में किया था, यहाँ पे भी आपने प्लगइन देखना है कि किस तरह का प्लगइन आपको चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्राई दोज प्लगइन्स। सो मैं आपके सामने लिखूंगा बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स, एंड सबसे टॉप पे मेरे पास कुछ रिव्यूज़ आ रहे हैं, कुछ लिस्टिंग्स आ रही हैं। बट मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ। पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं वर्डप्रेस की प्लगइन्स वेबसाइट पे जाऊँ और वहाँ पे मैं नए नए प्लगइन्स को ट्राई करूँ। आई गो टू वर्डप्रेस प्लगइन्स, और वहाँ पे आई विल गेट अ लिस्ट ऑफ दीज ऑल प्लगइन्स विच आर रियली रियली पॉपुलर। तो आपको यहाँ पे कुछ फीचर प्लगइन्स नज़र आ रहे हैं। क्लिक ऑन सी ऑल, एंड वहाँ पे आई कैन सी कि स्पैम कंट्रोल प्लगइन है, जेट पैक है, क्लासिक एडिटर है, BB प्रेस है, गुटनबर्ग है, बडी प्रेस है, हेल्थ चेक एंड ट्रबल शूटिंग। तो ये वो सारे प्लगइन्स हैं विच मेक वर्डप्रेस रियली रियली पावरफुल। सो अब देखते हैं कि हम वापस जाते हैं गूगल सर्च पे, और हम जब बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स लिखते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो व्हेन वी गो एंड सर्च फॉर बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स, तो हमारे पास WP बिगिनर की वेबसाइट आई है, और WP बिगिनर की वेबसाइट रिकमेंड्स अस दीज प्लगइन्स। हो सकता है इनमें से कुछ प्लगइन्स फ्री हों, और हो सकता है कि इसमें से कुछ प्लगइन्स पेड हों। तो ये अगेन आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह की फंक्शनैलिटी आप चाह रहे हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, टू ऐड न्यू फीचर्स टू योर वेबसाइट। WP फॉर्म्स है, नाम से सुन के पता लग रहा है क्या करेगा, दिस विल ऐड अ न्यू फॉर्म टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट। मॉन्स्टर इनसाइट्स है, मॉन्स्टर इनसाइट्स इज़ अ वेरी फेमस प्लगइन for Google Analytics, and it is also owned by WP Beginner। तो ये उनके पूरे ग्रुप की एक है चीज़। Opt-in Master, नाम सुन के पता लग रहा है, it gives you the functionality to get email leads from your customers, your users। Constant Contact, obviously नाम सुन के आइडिया हो रहा है कि this plugin is about adding a contact form। Sucuri, I have no idea what this word means, but I know what this plugin is. Sucuri adds a firewall, a security measure to your website. Backup Buddy is another plugin which allows you to create good backups. Yoast SEO, आपने अभी तक इसको try किया होगा, इसके बारे में सुना होगा, इसको हम थोड़ा सा detail में भी देखेंगे। और Yoast SEO is a search engine optimization plugin which adds अ फंक्शनैलिटी टू योर वेबसाइट, जिससे आप बड़े इजीली अपनी साइट की SEO को मैनेज कर सकते हैं। W3 टोटल कैशे, आपको नाम सुन के आइडिया हो रहा है, दिस इज़ अ कैशे प्लगइन, दिस अलाउज यू टू हैव अ स्पीडी वेबसाइट। सीड प्रॉड, मैं पहली दफ़ा नाम सुन रहा हूँ, बट सीड प्रॉड अलाउज यू टू ऐड अ कमिंग सून एंड मेंटेनेंस पेज टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट। सो कुछ प्लगइन्स हैं जो आपको पहली दफ़ा देखने को मिलेंगे, कुछ प्लगइन्स आपकी नज़र से गुजरे होंगे। WordPress is a community-based software. It's a community-based platform, and that's why you will get to see new plugins. You will get to try new plugins. हो सकता है कुछ ऐसे plugins आपके सामने आए जो आपने कभी पहले ना सुने हो, ना देखे हो। Envira Gallery, MemberPress अगर आपने members add करने हैं, shared counts अगर आपने अपने counts को flaunt करना है, Learn Dash हमने इसका जिक्र पहले भी किया था, is for creating courses। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के डिफरेंट प्लगइन्स हैं। FAQs आपने ऐड करने हैं, उसके लिए प्लगइन है। हेडर एंड फुटर ऐड करना है, अगर आपने नई तरह का CSS ऐड करना है तो उसके लिए यू हैव CSS Hero available. Beaver Builder, very, very famous plugin if you want to create a builder site. मतलब आपको बगैर कोड ऐड किए हुए अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप से अपनी साइट बिल्ड करना चाहते हैं तो Beaver Builder is another option. Google Apps for Work, ये एक obviously Google का suite है which allows you to add different functionality to your website. FreshBooks, SEMrush, all-in-one schema, rich snippets, BirchPress, MaxCDN, Slack, आपने नाम सुना होगा, इट्स अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर. सो ये वो सारे प्लगइन्स हैं विच ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू योर वेबसाइट एंड विच कैन एक्चुअली चेंज योर वेबसाइट इन great ways by adding new functionality, giving you options and helping you maximize the potential of your WordPress website.